मैं अरमान कलरदान, माय नेम इज रोम कृष्ण चौहान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरकेसी ब्लॉग। सर चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। सर अभी मैं जा रहा हूँ सिटी में, जो रामपुर शहर पड़ता है, यहाँ से मतलब थोड़ा ऐसी है 2.5-3 किलोमीटर तो पड़ेगा ही। सर वहाँ पे थोड़ा सामान लेना है मुझे, और रास्ते में आपको दिखाऊंगा अगर कुछ बढ़िया दिखा मेरे को तो। सर मुझे बहुत खुशी होती है जब आप सारी वीडियोस जो है लाइक करते हैं मेरी। सर ऐसी मुझे सपोर्ट करते रहिए और बढ़िया करके, आप देख सकते हो सब्जी मंडी है, ट्रैफिक देख रहे हो कितना है आज। सर यहाँ पे जो ट्रैफिक तो है रहता ही है ज़्यादातर। देखो कितना ट्रैफिक है, मौसम भी है थोड़ा मतलब ठंडा है, मतलब धूप नहीं है बिल्कुल भी। आज मैंने शर्ट नहीं पहनी है इस वजह से, क्योंकि मौसम जो है बहुत क्लियर है, इसलिए मैं शर्ट नहीं पहनी है। देख रहे हो कितना ट्रैफिक है आज। ये रॉन्ग साइड से आने तो कम से कम मतलब इन्हें जो है ये ठेले वाले होते हैं अभी आए थे, चलो इनकी तो मजबूरी है, कोई बात नहीं, ये गड्ढा ही भर गया, चलो अच्छी बात है। इधर का जो गड्ढा था वो भर चुका है, और ये हॉस्पिटल में पहुंच चुका हूँ मैं, अब थोड़ी दूर रह गया है। देख रहे हो शॉप सारी खुल गई हैं, इधर भी और इधर भी ज़्यादातर शॉप जो है वो खुल चुकी हैं। तो मैं चलूँगा मेन रोड होके, ऑन माय राइट इज LIC, एज यू कैन सी LIC बिल्डिंग। बुलेट वाला गया तो इतनी तेज एकदम ये नहीं कि थोड़ी देर रुक जाता। सर जैसे कि हम सब जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर देख रहे हो कितना प्रेशर था, सर न्यूज़ में फुल के आ रहा है। जहाँ तक मुझे लगता है कि किसी ना किसी बड़े आदमी का तो हाथ है इसमें, वो किसका है ये बात भी जानते हैं कुछ लोग, लेकिन तो सामने नहीं आ रहे, डर रहे हैं कि हमारा करियर तबाह हो जाएगा और हमारा ये सब जो भी हम हैं आज वो नहीं रहेंगे। तो इस वजह से बहुत प्रॉब्लम झेल रही है सुशांत की फैमिली। फिर ऐसा मौसम हो ना तो टी शर्ट पहन के बस, नहीं तो आप जानते हो ज़्यादातर मैं शर्ट ही पहनता हूँ, क्योंकि यार जब मैं सनलाइट में आता हूँ ना तो मेरे हैंड जो है वो जल जाते हैं बिल्कुल एकदम, इससे बढ़िया टी शर्ट पहन के रहता हूँ मैं धूप में। आज धूप नहीं है तो मैंने आज नॉर्मल कपड़े पहन लिए। चेकिंग जो है आज बड़ी तगड़ी चल रही है, देख रहे हो आप जगह जगह पुलिस वाले खड़े हैं, और कोई बात नहीं, चेकिंग देखो कितनी तगड़ी चल रही है। यार मैंने मास्क लगा तो रखा है, अरे ये मास्क जो है ना ये थोड़ा लूज है, इस वजह से ये ना नीचे भाग भाग जा रहा है।
कुछ लोग बता रहे हैं कि पुलिस का भी हाथ है उसमें, मुंबई में जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ बैंड रहा में जो बिल्डिंग है उसमें जो हुआ, तो यार पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, कौन सच बोल रहा है क्या झूठ बोल रहा है, पर हाँ इसकी सही से जांच होनी चाहिए। पता अपने इंडिया में क्या है, पैसा दो तमाशा देखो बस, यही हिसाब है ज़्यादातर, पर हाँ प्रूफ मिल जाए एक बार और वो कोर्ट पहुँच जाए तब उसको कोई नहीं रोक सकता। जैसे कि आपने देखा ही होगा दिल्ली में जो केस हुआ था निर्भया वाला, उसमें भी क्या कहते हैं सब ने जो वकील थे उन्होंने खूब पैसे लिए और खूब खूब क्या कहते हैं उन्होंने बहुत वो किया। यहाँ तो इतना ट्रैफिक नहीं है लेकिन आगे देखते हैं ट्रैफिक है या नहीं। यहाँ पे ब्रेकर्स इतने सारे हैं कि बस सीधी तो कम चलती है चलती आ रहा है। चलो कोई नहीं है, तो आपको एक बात बता दूं यहाँ पे जो है ना पहले तो इतनी भीड़ रहती थी कि बस पूछो मत, लेकिन अब जो है ट्रैफिक जो है कंट्रोल में तो आया है। पहले तो गाड़ी वाली भी घुसेड़ देते थे जो जैसी ये खड़ी गाड़ी, आधा रोड तो यही घेर लेती है गाड़ी। हमारे आगे जा रहे हैं सरदार जी दो दो दूध के कंटेनर लेके, सर सरदार जी देखो कितने मेहनती होते हैं, हर काम में ये मेहनती होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं ना लुल्लू पुल्लू देखा आप, और आज ज़्यादातर मैंने देखे जो होता है बिल्कुल एकदम जो कितना ट्रैफिक है देख रहा हूँ। ओह ओह भाई साहब देखो क्या देख रहा हूँ, चार बार ट्रैफिक ही ट्रैफिक है भाई। ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा बहुत अच्छी थी जा रही पुलिस। बड़े हिसाब से रहनी पड़ती है यहाँ पे, भीड़ देख रहे हो एकदम भीड़ ही भीड़ रहती है यहाँ पर, कुछ नहीं होता यार। ट्रैफिक जो है भाई साहब इतना है कि बस पूछो ना। आस पास ही शॉप है जहाँ से मुझे काम था थोड़ा, ये शदाम मार्केट कहलाता है, मैं आपको बता दूंगा जिनको नहीं पता है जो रामपुर से बाहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं। जो ये राखी की दुकानें वगैरह सब खुल चुकी हैं, राखी की शॉप वगैरह सब जो हैं। जो काम था मुझे वो हो चुका है, चलते हैं फटाफट। गिलगिर दे अंकल की भीड़ भाड़ में ना, ये हैंडल देख रहे हो मेरा ऐसे भागता है बिल्कुल, कभी इधर कभी इधर। जब हाँ गाड़ी थोड़ी स्लो में होती है तब जो है इसका स्टेबल रहती है गाड़ी। यार आई होप आप व्लॉग जो है एंजॉय कर रहे होंगे।
मेरे राइट में है अनाज मंडी, देख सकते हो आप पूरी अनाज मंडी में अनाज मिलता है। अनाज में जैसे आपको चावल चाहिए, गेहूं चाहिए और बाकी चीज़ें चाहिए। यार ऐसा लगा कि छोटा सा कीड़ा जो है मेरी आँख में गया, पता है कीड़ा था या किसी मसाले का वो था, लेकिन एकदम जाके ऐसा लगा कि गायब हो गया। असल में पता है सवाल क्या है, सरकार मान लो सब कुछ बंद कर दे यार, फिर अच्छा तो है, लेकिन यार कब तक, आगे सवाल ये है कब तक बंद रहेगा। कब तक चीज़ें बंद रहें, कब तक नहीं चलेगी। जैसे बाइक है या फिर कोई गाड़ी है या फिर इंसान ही है ना, अगर नहीं चलेगा रंग खा जाएगा, बेकार हो जाएगा। जैसे कि स्कूल्स वगैरह बंद हैं, तो जो छोटे क्लास के हैं बच्चे, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ टू एट्थ जो हैं, उनका बेसिक्स अगर क्लियर नहीं होगा तो आगे चल के नाइन्थ टेंथ इलेवन ट्वेल्थ में वो क्या करेंगे, अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा। सर बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। बेसिक एक ऐसी चीज़ है यार, आपको बड़े से बड़ा एग्जाम दे लो आप, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो किसी काम के नहीं है। तुम्हें देखो जो नाइन्थ टेंथ इलेवन ट्वेल्थ वाले हैं वो तो कवर कर लेंगे, जैसे तैसे ऑनलाइन भी समझ आ रहे हैं उनके, पर हाँ उनमें भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में फोन वगैरह इतना नहीं है, या फिर वो ज़्यादातर के घर में तो है लेकिन उसके घर में तो है नहीं है बिल्कुल, ना फोन है ना लैपटॉप है, यार वो कहाँ से ऑनलाइन क्लास लेंगे, सवाल ही उठता है। तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो मुझे फॉलो कर ली, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है रोहन चौहान 2193। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें बिना मत जाना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, मैं ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोज लाता रहता हूँ। और हाँ सब्सक्राइब करने के बाद घंटा जरूर दबा दीजिए, घंटा दबाना तो भाई पक्की बात है, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगी, जैसे कि व्हाट्सएप मैसेज की आती है। यार घंटा भी दबाएं, सब्सक्राइब भी करें और शेयर कर देना अगर अच्छी लगी हो वीडियो, तब लाइक तो कर ही दे यार, लाइक करोगे तो मुझे सपोर्ट मिलता है यार थोड़ा। हाँ आप लोगों को पसंद आ रही है वीडियो, मुझे वीडियो बनाने में यार बहुत मेहनत लगती है, एडिटिंग करनी पड़ती है, तो अपलोडिंग के लिए भी नेट चाहिए, एडिटिंग करने में यार बहुत दिमाग खपाना पड़ता है, लेकिन हाँ मैं दिमाग ठीक है ना, ये बात तो क्लियर है कि भाई हाँ मैं दिमाग जो है वो खपाऊंगा आप लोगों के लिए, तो इसलिए यार आप लोग भी सपोर्ट करो अगर अच्छी लगती हो वीडियो।